वो थोड़ा छोटा, कभी जूम हो रहा है कभी जूम आउट हो रहा है, मैं वो दुरुस्त करवाती हूँ फिर आपके पास आती हूँ। ए के वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी जी, ये कोई मुद्दा है क्योंकि चुनाव में हर एक चीज मुद्दा बनती है, बनाई जा सकती है, जनता के मन में बिठाई जा सकती है। ये तस्वीर पोस्ट करना या फिर मनोज काका भी हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज काका की तरफ से आज मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है, उसमें जातिगत जनगणना का जिक्र हुआ है, यहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, तो क्या क्या मुद्दे इससे बड़े नहीं है कि मछली फ्राई पर अटक गए? नहीं, मुद्दा तो ये भी है, मुद्दा क्यों नहीं है ये, मतलब आप ऊपर हवा हेलीकॉप्टर में या हवाई जहाज में केक काटेंगे, बर्थडे अपना वहाँ मनाएंगे और त्यौहार वाले दिन मछलियाँ खाएंगे, ये आपका चरित्र तो दिखाता ही है ना, आपका असली चरित्र क्या है और जनता के सामने आप क्या पोज करते हो, ये दोनों चीज़ों का मतभेद तो जनता को पता चलेगा ना। पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये जनता को जानकारी आ गई है, ये भी जानकारी आ रही है कि ये इनके जीने का स्टाइल क्या है, क्या है इनको गरीबों से लेने देना। ये वही लोग हैं ना जो नौकरी देने के पीछे अपने जमीनें लिखवाते थे, उसी का केस पेंडिंग है ना। दिल्ली में इनके 21 फार्म हाउस हैं, आप समझ लीजिए 21 फार्म हाउस, सोच सकते हो कहां से पैसा आया, कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है क्या? सिर्फ जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है, और उस ये वर्ड ऐसे नहीं यूज कर रहा हूं मैं, लूट की है, उसके पीछे सजा भी हुई है। लालू यादव जी को 5 मुकदमों में सजा हुई है, नवल जी 10-10 साल की, और अभी भी बात करते हैं, ये तो समझना होगा, फार्म हाउस की गिनती वाजपेयी जी गिना रहे हैं, समझ रही इन चीजों को, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल के बखान कर रही हैं, जनगणना के नाम पे ओके सर, जातियों में लोगों को बांट के उसका जवाब मनोज काका देंगे, लेकिन उससे पहले वाजपेयी जी, आपने जो बात कही है उसका जवाब नवल किशोर जी को दिखेगा। आप गरीब 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 बार बार ये कहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो बता रहे हैं, एक ही परिवार को गरीबी से निकाला गया और 5 साल बाद जब मेरे सच्चाई क्या है वो वाजपेयी जी से पूछिए कि लोजपा ने परिवार से आगे कब सोचा है, और लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज के डेट में, वो जब वो क्या क्या कर रहे थे उनके विषय में बता देना चाहिए अपने। बताइए बताइए वाजपेयी जी, परिवारवाद आप पर नहीं फिट बैठता क्या? परिवार के विषय में बताना चाहिए। किस पे फिट बैठता है? चिराग पासवान जी पे नहीं बैठता है क्या? हाँ, और जो तो। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, नहीं आप वही बात पूछ रहे हैं, तो ये बात पूछना चाहिए भाजपा से ना कि परिवारवाद का परिभाषा क्या है, जो उन्हें सूट करता है वही है या कुछ और भी है। तो जिस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि सत्ता जाने वाली है, इसीलिए बौखलाहट में वो तमाम तरह के इन तरह के बिंदुओं को लाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में चुनाव, अजय आलोक जी जवाब दीजिए, परिवारवाद सिर्फ लालू और राबड़ी देवी का है, तेजस्वी और तेज प्रताप का है, वो कह रहे हैं यहाँ पर लोजपा भी तो बैठी हुई है, और सीपी ठाकुर को, सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर कौन है? एक फोटो दिखा रहा हूँ, विवेक ठाकुर कौन है बता दीजिए, एक फोटो दिखा रहा हूँ, रविशंकर प्रसाद कौन है बता दीजिए, फोटो दिखा रहे हैं नवल जी, फोटो दिखा रहे हैं, नहीं नहीं वो उनका फोटो दिख रहा है।